सर्कल है, कौन सा भी एक छेद में डाल दीजिए। बाद में थ्रेड टेंशन का दो प्लेट है बराबर उसके अंदर होना चाहिए। बाद में थ्रेड टेकअप लीवर में डालना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड डालना है। बाद में थ्रेड गार्ड, बाद में निडल लेफ्ट टू राइट, और बॉबिन का धागा ऊपर नहीं रहेगा तो सबसे पहले धागा ऊपर लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार सुई अंदर से लेके बाहर लेके आने का धागा ऊपर आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है मशीन में कपड़े का बैक सेट खराब आती है, ये किसी ने लूज़ किया रहेगा, हो सकता है बच्चे बच्चा लूज़ किया है तो उस कपड़े का बैक सेट खराब आएगा। तभी इसको क्या करना है, अंदर की तरफ टाइट करना है। सिलाई लूज हो गया, जब तक सिलाई प्रॉपर नहीं होती तब तक इसको टाइट करना है। एक दो बाटा पहले टाइट कीजिए, बाद में देख लीजिए कपड़े का बैक सेट ठीक हो गया, उधर रोक देना है। ऐसा आपका सिलाई प्रॉपर हो जाएगा। और टाका छोटा बड़ा करना है आपको तो इसको रिवर्स लिफ्टर है, इसको दबा के रखने का और ये नॉब घुमाने का, दो या ढाई रेगुलर होते हैं, रिवर्स करना है इसको, पुल करके रखिए रिवर्स हो जाएगा, छोड़ देंगे फॉरवर्ड हो जाएगा। और ये मशीन में एक सुविधा रहता है, इसको लिफ्ट ब्रेक को ऊपर कीजिए और छोड़ दीजिए कपड़े का लोड। बाद में आपको दोनों हाथ फ्री रहेगा, जब भी आपको कपड़ा टर्न करना है, कपड़े नीडल कपड़े के अंदर रखने का, लिफ्टर को इसको ब्रेक को ऊपर करना है, बाद में कपड़े को घुमा। और आपको कच्चा स्टिच करना है, 5 नंबर का स्टिच जो बोलते हैं गैदर्स वगैरह लेने के लिए करते हैं, या खोलना है आपको दोबारा उसके लिए जो करते हैं वो 5 नंबर की स्टिच होती है। ये हो गया 5 नंबर की स्टिच। ये आपको चुन्नी वगैरह मतलब गैदर्स बोलते हैं, चुन्नी बोलते हैं कोई अपने अपने टाइप का जो ये बोलते हैं उसके लिए, ये फ्रॉक में एवन गाउन्स में जो चुन्नी लेते हैं उसके लिए काम में आते हैं। लॉन्ग स्टिच या स्टिच ओपन करना है उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी आपको स्टिच कच्चा स्टिच करके उसको खोलना है तो एक बार इसको खींच लीजिए, पूरा स्टिच ओपन हो जाएगा। ये स्टिच ऐसा ओपन हो गया, पूरा कपड़ा आपका फ्रेश हो गया वापस। कभी कितना भी कुछ करने के बाद आपका स्टिच प्रॉपर नहीं होते कपड़े का बैक साइड का, तभी क्या कीजिए, टेंशन पूरा खोल दीजिए, स्टेप बाय स्टेप इसको खोल दीजिए। कभी क्या होता है, इसे कपड़े कपड़े दो धागे का ये होता है इसके अंदर फ्यूज, ये इसके अंदर फंस जाते हैं दोनों के बीच में, तो इसको वापस रीफिटिंग कैसा करना है, पहले स्प्रिंग लगाइए, लगा दिया, ये बाद में दो प्लेट एक जैसे, इसको टेंशन प्लेट बोलते हैं, ये दोनों एक जैसे, दोनों आमने सामने लगा दीजिए। उसके बाद ये लगा दीजिए उसका सेकंड वेव, ये बाद में स्प्रिंग रखना है इसके ऊपर, बाद में ये पार्ट लगाना है इसके ऊपर, दोनों छेद मैच करना है, बाद में एक वॉशर आता है वो लगाना है, बाद में स्प्रिंग रखना है और बाद में नट लगाना है। ये ऐसा चेक करना जब तक मतलब हल्का सा टाइट होना चाहिए, जब भी आप टेंशन एडजस्ट कर रहे आप पूरा टाइट कर दिया एक साथ तो क्या होएगा, फुल टाइट हो जाएगा और बार बार धागा काटेगी मशीन, तो ऐसा टाइम में क्या करना है, धागा खींचने के बाद हल्का सा टाइट आना चाहिए तो प्रॉपर रहेगा। बाद में थ्रेड टेकअप लीवर, थ्रेड गाइड और एक गाइड है, और निडल का निडल चेंज करना है तो निडल इसमें पूरा राउंड निडल लगती है, कभी कभी कोई के फ्लैट निडल चिपका देते हैं तो इसमें पूरा निडल राउंड है। राउंड होने की वजह से क्या है, उसमें आपको मालूम नहीं पड़ता कौन सा बाजू अंदर और कौन सा बाहर की तरफ, देखो ये खड्डे वाला है ये अंदर की तरफ होना चाहिए, लाइन वाला बाजू वो बाहर की तरफ होना चाहिए, और जितना ऊपर जाता है उतना ऊपर तक लगाना है। बाद में इसको लॉक कीजिए, निडल क्लैंप को लॉक कीजिए। इनकेस अब निडल थोड़ा भी डाउन किया तो स्किप करेगा, टाका छोड़ेगा बीच बीच में, लंबा स्टिच आता है तो उसका वजह रहता है आप निडल प्रॉपर नहीं लगाए, इसके लिए निडल ये हो गया अपना रेगुलर स्टिच। रेगुलर स्टिच करना है, अभी छोटा स्टिच करना है तो ये रिवर्स इसको पुश करके रखिए और इसको 2 नंबर पे लेके अपना रेगुलर स्टिच हो जाएगा। ये हो गया रेगुलर स्टिच। कभी कभी क्या होता है कपड़े का ऊपर से स्टिच प्रॉपर नहीं आती है, कपड़े का डाउन से बराबर आती है लेकिन ऊपर दो स्क्रू रहते, एक छोटा है और बड़ा है, छोटा है वो स्टॉपर के लिए, बड़ा है वो थ्रेड टेंशन के लिए होता है। इसको हल्का सा टाइट कीजिए, ऊपर से बराबर नहीं आएगा तो
बाद में इसको एक बार निडल अंदर लेके जाके बाहर आना चाहिए, धागा ऊपर लेके आएगी मशीन। आ गए दोनों धागा पीछे, ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए डाउन करने के लिए, छोड़ दीजिए बस, एकदम परफेक्ट हो गया आपका स्टिच। ये देख लीजिए, देखो ऊपर का स्टिच एकदम परफेक्ट हो गया, जैसा लूज आ रहा था ऐसा लूज आ रहा था, तो ये परफेक्ट हो गया। ऐसा टाइप में आपका स्टिच एकदम ओके है, ऐसा आप खुद अपना मशीन रिपेयर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं शटल। जब भी बॉबिन के निकालना है और फिट करना है, निडल टॉप में होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। इसको लैच पकड़ेगी, बॉबिन केस बाहर आ जाएगी, वापिस फिट करना है अपने आना चाहिए, और बाद में इसको हल्का सा पुल कीजिए, फिट हो गया, टका हुआ जाएगा, फिट हो गया।